हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं बेसिक कंप्यूटर में मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। तो यहां पर आज की वीडियो में हम देखेंगे दो क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहला क्वेश्चन है ओओपी, एक्सप्लेन द ओओपी एंड पीओपी। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, और यहाँ पर हमें ओओपी के फीचर भी देखने वाले हैं, और देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ओओपी वर्सेस पीओपी। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो है डेफिनेशन, और यहाँ पर ये डेफिनेशन दो पॉइंट्स में लिखी है, आप इसे लिख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं ओओपी के फीचर्स क्या हैं, क्योंकि उसके जो फीचर हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये तो डेफिनेशन है, चलिए देखते हैं फीचर्स क्या हैं। यहाँ पर सबसे पहला फीचर है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, पहला फीचर क्या है आपका ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स आर द बेसिक रन टाइम एंटिटीज़ इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। तो ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, एक बेसिक रन टाइम एंटिटीज़ हैं एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम में। नेक्स्ट आपको पॉइंट लिखना है दे में रिप्रेजेंट अ पर्सन अ प्लेस अ बैंक अ टेबल ऑफ डेटा और एनी आइटम दैट द प्रोग्राम हैज़ टू हैंडल। तो ऑब्जेक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी पर्सन को, किसी प्लेस को, किसी बैंक हो गया, एक टेबल हो गई, तो इस तरीके के ऑब्जेक्ट को जो है रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट यहाँ पर व्हेन अ प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड द ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट बाय सेंडिंग मैसेज टू वन अनदर। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल इफ कस्टमर एंड अकाउंट। तो एक कस्टमर और अकाउंट टू ऑब्जेक्ट इन अ प्रोग्राम, देन द कस्टमर ऑब्जेक्ट में सेंड अ मैसेज टू द अकाउंट ऑब्जेक्ट रिक्वेस्टिंग फॉर द बैंक बैलेंस। तो अकाउंट और कस्टमर जो है एक ऑब्जेक्ट है एक प्रोग्राम में, और कस्टमर ऑब्जेक्ट एक मैसेज सेंड करता है अकाउंट को, इसलिए बैंक बैलेंस चेक के लिए। यहाँ पर आप इसे इस डायग्राम की मदद से भी समझ सकते हैं। तो डायग्राम यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्टूडेंट है, तो ऑब्जेक्ट के अंतर्गत क्या आ गया आपका डेटा आ गया और फंक्शंस। इसके बाद ये दो डायग्राम आप यहाँ पर बना सकते हैं टेबल्स। नेक्स्ट देखते हैं अगला जो फीचर है हमारे पास वो है क्लासेस। तो क्लासेस क्या होती हैं, वी जस्ट मेंशनड दैट ऑब्जेक्ट कंटेंस डेटा एंड कोड टू मैनिपुलेट द डेटा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन देखी, और ऑब्जेक्ट के बाद अब देखते हैं क्लास में आपको क्या लिखना है। तो अ क्लास इज थस अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ, एग्जांपल मैंगो एप्पल ऑरेंज आर मेंबर्स ऑफ द क्लास फ्रूट। तो क्लास एक कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का, एक ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है क्लास, और जैसे मैंगो एप्पल और ऑरेंज क्या हैं, एक मेंबर हैं एक क्लास फ्रूट के। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। इसके बाद क्लास आर यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स एंड बिहेव लाइक द बिट इन टाइप ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो एक बिट की तरह जो है ये बिहेवियर करता है क्लास। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, द रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शन इन टू अ सिंगल यूनिट इज नाउन एस इनकैप्सुलेशन। तो सबसे पहले इनकैप्सुलेशन की यहाँ पर डेफिनेशन है, इसके बाद अगले पॉइंट में आप क्या डिफाइन करेंगे। दिस फंक्शन प्रोवाइड द इंटरफेरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट डेटा एंड प्रोग्राम्स। तो यह फंक्शन जो है एक इंटरफेरेंस प्रोवाइड करते हैं ऑब्जेक्ट डेटा और प्रोग्राम के बीच में। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्शन रेफर्स टू द एक्ट टू रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, एक एसेंशियल फीचर रिप्रेजेंट करता है और बिना बैकग्राउंड डिटेल को इंक्लूड किए हुए। इसके बाद एब्स्ट्रैक्शन आर डिफाइंड एज अ लिस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस सच एज साइज वेट एंड कॉस्ट। एब्स्ट्रैक्शन को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो एब्स्ट्रैक्शन जो है एक एब्स्ट्रैक्ट की लिस्ट है, जैसे कोई वेट हो गया, साइज और कॉस्ट। तो इस तरीके से आप एब्स्ट्रैक्ट को डिफाइन कर सकते हैं, और ये चार पॉइंट आप एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फीचर है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच ऑब्जेक्ट
ऑफ वन क्लास एक्विट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर क्लास। तो इनहेरिटेंस की डेफिनेशन हो गई, और एग्जाम्पल में आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, द वर्ड रॉबिन इज़ अ पार्ट ऑफ द क्लास फ्लाइंग बर्ड। तो एक रॉबिन है और एक एक क्लास से फ्लाइंग, तो इसका एक पार्ट है। और विच इज अगेन अ पार्ट ऑफ द क्लास बर्ड, और फिर से इसके अंतर्गत एक पार्ट है वो है बर्ड। तो इसका भी यहाँ पर आप इस डायग्राम की मदद से इसे समझ सकते हैं। तो एक बर्ड है जिसका नाम रॉबिन है, तो ये जो है एक फ्लाइंग बर्ड क्लास का जो पार्ट है। इसके बाद एक दूसरी क्लास है जो वो एक बर्ड क्लास होती है। तो ये बर्ड क्लास में आप देख सकते हैं रॉबिन, सेलो, पेंगुइन और कीवी, तो ये बर्ड क्लास का भी एक पार्ट है। इनहेरिटेंस में आप इतनी डेफिनेशन और ये डायग्राम बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फीचर देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। नेक्स्ट जो फीचर है हमारे पास वो है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इज़ अनदर इम्पोर्टेंट ओओपी कॉन्सेप्ट। तो पॉलीमॉर्फिज्म भी एक फीचर है, तो ये एक दूसरा ओओपी कॉन्सेप्ट है। पॉलीमॉर्फिज्म ग्रीक टर्म मीन्स द एबिलिटी टू मेक मोर देन वन फ्रॉम। तो पॉलीमॉर्फिज्म का जो ग्रीक टर्म होता है इसका मतलब होता है टू मेक फ्रॉम देन वन मोर। इसके बाद आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, कंसीडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। इसके बाद छठवां जो फीचर है वो हमारे पास है डायनामिक बाइंडिंग, और सातवां मैसेज पासिंग। तो मैसेज पासिंग में आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी पीओपी क्या है। तो पीओपी सबसे पहले तो यहाँ पर हम डेफिनेशन देखते हैं और इसका स्ट्रक्चर जो है देखेंगे। यहाँ पर प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसका फुल फॉर्म है। तो सबसे पहले पीओपी इज़ वन ऑफ द प्रोग्रामिंग मेथड्स वेयर द मेन फोकस इज़ ऑन फंक्शंस और प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड फॉर कंप्यूटेशन। तो पीओपी क्या है, एक प्रोग्रामिंग मेथड है जो मेन फोकस करता है फंक्शंस और प्रोसीजर्स पर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू फंक्शंस एंड टेक्स इज डन सिक्वेंसली। तो इसमें क्या होता है, प्रोग्राम डिवाइड होता है फंक्शंस और टास्क में, और ये कैसे कंप्लीट होता है, एक सीक्वेंस फॉलो करता है प्रॉपर। नेक्स्ट पॉइंट है दिस फंक्शंस शेयर द ग्लोबल डेटा और वेरिएबल्स, और इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट ब्रेक्स एंड टास्क थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इट यूजेस अ टॉप डाउन अप्रोच एंड दिस एंड सीज डेटा एंड प्रोसीजर आर सेपरेट इंस्ट्रक्टर। तो एक सेपरेट स्ट्रक्चर को जो है फॉलो करता है। और इसके बाद आप देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है, आप इस स्ट्रक्चर को एग्ज़ाम में बना सकते हैं। इसके बाद देखते हैं ओओपी और पीओपी में डिफरेंस क्या है। इसके बाद हम देखते हैं ओओपी और पीओपी में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं। तो यहाँ पर बेसिक डेफिनेशंस में आपको पहला लिखना है ओओपी इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और पीओपी क्या है, इज स्ट्रक्चर और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले डिफरेंस में तो हम क्या लिख देंगे इसकी डेफिनेशन। इसके बाद है प्रोग्राम डिवीज़न। तो प्रोग्राम डिवीज़न कैसे होता है, द प्रोग्राम इज़ डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट। तो ओओपी प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट डिवाइड होता है ऑब्जेक्ट में प्रोग्राम, और इसमें प्रोग्राम डिवाइड होता है फंक्शंस में। इसके बाद अप्रोच, तो अप्रोच में लिखना है बॉटम अप अप्रोच होता है इसमें, और इसमें टॉप डाउन अप्रोच होता है। इसके बाद डेटा कंट्रोल कैसे होता है, तो डेटा इन ईच ऑब्जेक्ट इज़ कंट्रोल्ड ऑन इट्स ओवन। तो इसके द्वारा जो है डेटा कंट्रोल किया जाता है हर ऑब्जेक्ट का। और पी ओ पी में क्या होता है, एवरी फंक्शन हैज़ डिफरेंट डेटा सो देयर्स नो कंट्रोल ओवर इट। तो पी ओ पी में जो है इसके द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता। इसके बाद देखते हैं एंटिटी लिंकेज। तो एंटिटी लिंकेज में क्या है, ऑब्जेक्ट फंक्शंस आर लिंक्ड
थ्रू मैसेज पासिंग। ऑब्जेक्ट फंक्शन इसमें लिंक होते हैं मैसेज पासिंग के द्वारा, और पार्ट्स इसमें पी ओ पी में हम लिखेंगे पार्ट्स ऑफ अ प्रोग्राम आर लिंक्ड थ्रू पैरामीटर पासिंग। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सपांसन। तो एडिंग न्यू डेटा एंड फंक्शंस इज ईजी। तो इसमें जो है नए फंक्शन और डेटा को ऐड करना ईजी होता है, और पी ओ पी प्रोग्रामिंग में एक्सपांडिंग डेटा और फंक्शन को ऐड करना ईजी नहीं होता। इसके बाद इनहेरिटेंस क्या है। इनहेरिटेंस इज सपोर्टेड इन थ्री मोड्स, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। तो इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है पब्लिक और प्राइवेट और प्रोटेक्ट मोड को, और इसमें इनहेरिटेंट नॉट सपोर्टेड, तो इसमें सपोर्टेड नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल इज डन विथ एक्सेस मॉडिफायर्स, और इसमें नो एक्सेस मॉडिफायर सपोर्ट। इसके बाद है डेटा हाइडिंग। तो डेटा हाइडिंग में क्या है, डेटा कैन बी हाइडन यूजिंग इनकैप्सुलेशन। तो इसमें इनकैप्सुलेशन का यूज़ करके डेटा को हाइड किया जा सकता है, और इसमें नो डाटा हाइडिंग डेटा इज एक्सेसिबल ग्लोबली। इसमें डेटा को हम हाइड नहीं कर सकते और ये ग्लोबली एक्सेसिबल होता है, इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। इसके बाद है ओवरलोडिंग और पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में लिखना है ओओपी में, ओवरलोडिंग फंक्शंस कंस्ट्रक्टर एंड ऑपरेटर्स आर डन। इसमें ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल। तो ओओपी में ओवरलोडिंग हो सकती है डेटा फंक्शन की, और इसमें ओवरलोडिंग नहीं हो सकती। इसके बाद है फ्रेंड फंक्शन। तो क्लासेस और फंक्शंस कैन बी लिंक्ड यूजिंग द कीवर्ड फ्रेंड ओनली इन C++, और इसमें कोई फ्रेंड फंक्शन नहीं होता पीओपी में। इसके बाद है वर्चुअल क्लासेस और फंक्शंस। तो वर्चुअल क्लासेस फंक्शन अपीयर्स ड्यूरिंग इनहेरिटेंस, और नो वर्चुअल क्लासेस और फंक्शंस। इसके बाद कोड रिसेबिलिटी। तो कोड रिसेबिलिटी में क्या है, द एक्साइटिंग कोड कैन बी रिस्यूड। इसके बाद है नो कोड रियूजबिलिटी। तो इसमें कोड को रियूज्ड किया जा सकता है, इसमें कोड को रियूज नहीं किया जा सकता। इसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग, यूज्ड फॉर सॉल्विंग बिग प्रॉब्लम। इसके द्वारा बिग प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, और इसमें नॉट सुटेबल फॉर सॉल्विंग बिग प्रॉब्लम। इसके एग्जांपल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के C++, जावा, VB.NET, C#, नेट। और इस ओओपी के जो एग्जांपल हैं वो C, VW, OVP, फोरट्रेन, पास्कल। तो ये थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डिफरेंस। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का सर, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।